हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा जर्नल एंट्री के ऊपर वीडियो नंबर 9 और इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। लास्ट वीडियो जो वीडियो नंबर 8 था, इस वीडियो में हम लोग बात किए थे कैश डिस्काउंट के बारे में और कुछ क्वेश्चंस ट्रेड डिस्काउंट के बारे में भी हम लोगों ने जाना और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो उसी टॉपिक के आधार पे और भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस आए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहां पर आपको तीन क्वेश्चन है 11 तारीख, 13 तारीख और 15 तारीख का। जनवरी 11, जनवरी 13, जनवरी 15, तीनों ये ट्रांजेक्शन इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। 11 तारीख को एक ट्रांजेक्शन हुआ, 13 तारीख को एक अलग और 15 तारीख को अलग, मगर तीनों का एक दूसरे से रिलेशन है। कैसे, देखिए, गुड्स सोल्ड टू हरी 31,000, 31,000 का हरी को बेचे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 13 तारीख को हरी रिटर्न द गुड्स ऑफ रुपीज 1,000 और हरी ने 1,000 रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया। और लास्ट क्या कह रहा है, 15 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखिए आप थोड़ा कैलकुलेशन समझिए, 31,000 का सेल किए और 1,000 का वो रिटर्न कर दिया, तो टोटल हमें कितना चाहिए था, टोटल हमें चाहिए था 30,000, मगर 15,000 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट कहने का मतलब हरी आया और 28 रुपया दिया और बोला फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब अब एक रुपया भी आपको फ्यूचर में नहीं देंगे, मतलब कि अगर 30,000 में 28,000 रुपया वो बंदा दिया है तो 2,000 जो नहीं दे रहा है वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। तो है ना, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में 31,000 का सेल हुआ, सेकेंड में 1,000 का वो रिटर्न किया एंड थर्ड में आपका वो आकर पेमेंट किया। तो जर्नल क्या होगा, तो जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल आपका तीन जर्नल यहाँ पर होगा, अलग अलग तारीख को अलग अलग जर्नल होगा। सबसे पहला अगर बात करें, ये फॉर्मेट है आपका, है ना। चलिए सबसे अगर थोड़ा इसको पतला कर दें, सबसे पहला अगर बात करें तो 11 जनवरी को सेल हो रहा है, तो सेल हो रहा है तो दो अकाउंट इन्वॉल्व किया, क्या हो जाएगा, सेल अकाउंट एंड हरी को बेच रहे तो हरी अकाउंट। और आपको पता है सेल हमेशा कहाँ जाता है, क्रेडिट जाता है, तो टू सेल अकाउंट, किसको बेच रहे हैं, हरी को बेच रहे हैं, तो हरी। और यहां पर क्या लिखते हैं, डीआर, है ना, कितने का बेचे, 31,000 का, 31,000 का। बींग गुड्स सोल्ड, बींग गुड्स सोल्ड टू हरी, और ये अकाउंट आपका क्लोज, 11 जनवरी का जर्नल एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 13 तारीख को वो रिटर्न कर रहा है, 13 जनवरी को वो बंदा कुछ रिटर्न कर रहा है, तो सेल किया हुआ चीज रिटर्न आ रहा है, तो सेल अगर जाता है डेबिट तो सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा, सॉरी, सेल अगर जाता है क्रेडिट, सेल अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा, डेबिट जाएगा, है ना, ये आपको बताएं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर, कौन रिटर्न किया, हरी रिटर्न किया है, तो टू हरी, कितना, 1,000 एंड 1,000, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। चलिए ये आपका एंट्री है कंप्लीट। एंड लास्ट एंट्री की बात करें तो वो बंदा 15 तारीख को आता है और पेमेंट करता है, 15 तारीख को आया वो और पेमेंट कर रहा है, तो कैश आएगा हमारे पास। हम आपको बताए थे कि कुछ भी आएगा तो शॉर्टकट की अगर बात करें, एकदम डायरेक्ट अगर एंट्री की बात करें तो हरी आया, कैश दिया, तो कैश आया तो कैश अकाउंट, कैश आ रहा है तो कैश को करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डीआर। अब यहां पर आप देखिए 2,000 रुपये हमको डिस्काउंट देना पड़ गया, है ना, 2,000 रुपये का हमको डिस्काउंट देना पड़ गया,
30,000 देना चाहिए था हरी को, मगर फुल सेटलमेंट जैसे ही बोला, इसका मतलब समझ लेना आपको कि वो बंदा फ्यूचर में पैसा नहीं देगा। तो 30,000 रुपया में वो मात्र 28,000 दे रहा, तो 2,000 का जो डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, यानी कि दुकानदार दे रहा, जिस दुकानदार का अकाउंटिंग कर रहे हैं वो दुकानदार दे रहा है, तो 2,000 रुपया क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। 2,000 रुपया क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। आप डिस्काउंट अलाउड दे रहे, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर। 28,000 रुपया कैश आया, 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिए, एंड टू हरी, हरी का हिसाब किताब क्लियर, तो हरी को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, और बींग पेमेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, बींग पेमेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, हो गया। इस तरीके से आप अपना जर्नल एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, आप थोड़ा समझिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर, हरी हरी जब परचेस किया था तो उसको किए डेबिट। अब हरी का हो चुका है हिसाब किताब क्लियर, तो उसको किसी भी चीज को, आप ये लॉजिक समझेंगे, किसी भी चीज को जब आप डेबिट करते हैं तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर हरी जो है, जब परचेस किया उधार पे, तो हरी को किए डेबिट। अब जैसे जैसे हरी का हिसाब किताब क्लियर होते जाएगा, उसको करते चलाएंगे क्रेडिट। तो सबसे पहले हरी 31,000 से हुआ है डेबिट, अब हरी जो है क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है क्यों, क्योंकि वो 1,000 रुपये का गुड्स रिटर्न किया, तो 1,000 का उसका सॉरी 1,000 का हिसाब किताब क्लियर हो गया उसका। फिर उसके बाद फिर हरी को किए क्रेडिट, कितना से, 30,000 रुपये से। क्यों, क्योंकि वो और पेमेंट करके सेटलमेंट कर लिया, तो हरी को किए थे डेबिट, हरी को किए थे डेबिट 31,000 से, फिर क्रेडिट किए एक बार 1,000 से, और फिर क्रेडिट किए 30,000 रुपये से। तो देखो 31,000 हो गया टोटल। तो इस तरीके से हिसाब किताब क्लियर होता है और आपका बैलेंस भी हो जाता है। तो वो आपको नहीं सीखना, बस बेसिकली आपको जर्नल एंट्री देखना था जो कि अभी हम बताएं आपको। आई होप कि क्लियर होगा, अभी और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू गणेश ऑफ लिस्ट प्राइस 70,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर पहला क्वेश्चन है, मगर ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो सेल बढ़ाने के लिए दिया जाता है, और हम आपको इसको बोले थे कि इसका एंट्री तो पास नहीं करते हैं, एंट्री तो पास नहीं करते हैं, पर अमाउंट को कंसीडर करते हैं, अमाउंट को कंसीडर करते हैं। तो सिंपल सा बात है भाई, 70,000 का सेल किए हैं गणेश को, और उसको 10% का डिस्काउंट दिए, तो 10% 7,000, तो हो जाएगा टोटल 63,000। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, गणेश को बेच रहे हैं, और यहां पर किसी भी तरीके का कैश का बात नहीं कर रहा है, तो गणेश को बेच रहे हैं। हाँ, ये हम फॉर्मेट लास्ट टाइम ड्रॉ कर रहे हैं, आगे से अब आपको पता है फॉर्मेट क्या होता है ना, तो इसमें हम समय व्यतीत नहीं करेंगे। सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट, और गणेश को बेच रहे हैं तो गणेश अकाउंट। ये डिस्काउंट जो दे रहे हैं, डिस्काउंट जो दे रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, इसका एंट्री नहीं होता है। तो सिंपली जो अमाउंट कंसीडर होगा वो डायरेक्ट आपका 63,000 होगा, 70,000 नहीं। तो सेल कर रहे हैं तो सेल हमेशा क्रेडिट जाता है, तो टू सेल अकाउंट, और किसको बेच रहे हैं, गणेश को बेच रहे हैं, तो गणेश डेबिट, एंड अमाउंट कितना हो जाएगा, 63,000, 63,000 बस। 70,000 यहां नहीं लिखेंगे, और ना ही 7,000 का जो डिस्काउंट है वो लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता। तो अब यहाँ पे नरेशन क्या होगा, बींग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, नरेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परचेस गुड्स फ्रॉम राज से परचेस कर रहे हैं, लिस्ट प्राइस 20,000। लिस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, लिस्ट प्राइस मतलब होता है वो प्राइस जो प्रिंटेड है, वो प्राइस जो प्रिंटेड है, तो लिस्ट प्राइस आपका 20,000 है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 2,000, तो फाइनली आपका कितना बिल बनेगा, 18,000 रुपीज का बिल बनेगा। अच्छा, अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, इसका एंट्री तो नहीं होगा,
मगर फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा 18,000। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, परचेस कर रहे, किससे परचेस कर रहे, रात से परचेस कर रहे। तो आपको पता है परचेज हमेशा डेबिट जाता, तो परचेज अकाउंट डी आर टू राज, राज लाइबिलिटी हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे, और अमाउंट जो है वो डायरेक्ट 18,000 लिखेंगे। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, हो गया। और आई होप कि आपको फॉर्मेट समझ में आया होगा, और फॉर्मेट में बस इसको क्या करना है, फॉर्मेट में आपको लिख देना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। तो यहाँ पे कैश जब बोल दिया तो नमन का नाम लिखने का जरूरत नहीं है। अब बताइए लिस्ट प्राइस कितने का है, 20,000, और माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 15% का 3,000, तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा, 17,000। तो अब एंट्री करना है, तो परचेस किए तो परचेस अकाउंट, और चूंकि कैश में पेमेंट किए तो कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। आपको पता है परचेस हमेशा डेबिट जाता है, तो परचेस को डेबिट किए, और कैश जब पेमेंट करते हैं तो कैश क्रेडिट होता है, मगर अमाउंट यहाँ पे कितना होगा, 17,000 रुपीज, है ना। बीइंग गुड्स परचेस्ड एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये जर्नल एंट्री तो कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सोल्ड गुड्स टू पारुल, पारुल को बेचे हैं ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। अगेंस्ट चेक पेमेंट मतलब क्या, कि पारुल एक मेरी कस्टमर है, पारुल को हम गुड्स बेचे हैं 40,000 का 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो चल भाई लिस्ट प्राइस आपका 40,000 है और ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा 10% एट द रेट ऑफ 10% यानी कि 4,000, तो फाइनली हो जाएगा 36,000। अब ये 36,000 का पेमेंट जो पारुल है वो चेक से पेमेंट की, और चेक से पेमेंट जब भी होता है तो क्या इफेक्ट होता है, बैंक, अगर मान लीजिए हम सेलर हैं और आप हमको पेमेंट किए चेक से, तो वो पैसा मेरे कैश काउंटर में नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, हम उस चेक को बैंक में लगाएंगे और बैंक वाला मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देगा, पारुल के अकाउंट से काट के। पारुल के अकाउंट में पैसा होगा, उसके अकाउंट से डिडक्ट करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। यानी कि चेक पेमेंट जब भी होगा तो कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, क्या इन्वॉल्व होगा, बैंक इन्वॉल्व होगा, है ना। तो सिंपली सेल कर रहे हैं तो सेल तो हमेशा क्रेडिट होता है, तो टू सेल अकाउंट, और पारुल को बेच रहे हैं तो पारुल का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो चेक से पेमेंट कर दिए, तो चेक से पेमेंट कर दी है तो हम डायरेक्ट बैंक लिखेंगे। आपके मन में ये बात आ सकती है कि सर चेक अगर बाउंस कर गया तो उसके लिए अलग एंट्री होता है जो आप सीखोगे, मगर फिलहाल अगर पारुल पेमेंट कर दी है तो हम लोग कैश के बदले क्या लिखेंगे, बैंक, और पारुल का नाम भी लिखने का जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट कितना लिखेंगे अमाउंट, 36,000 एंड 36,000। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग, मैं ओरली डिटेक्ट कर दे रहा हूं, बीइंग गुड सोल्ड टू पारुल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, पेमेंट रिसीव थ्रू चेक, इतना लिख सकते हैं या फिर आप शॉर्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%। देखिए क्या कर रहा है, समझिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, कॉस्टिंग 10,000 कहने का मतलब हमारा कॉस्ट है 10,000। अब क्या 10,000 का चीज 10,000 में ही बेच दें कि कुछ प्रॉफिट रखें, नहीं, कुछ तो प्रॉफिट रखेंगे। तो कह रहा है एट कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 20% मतलब वो प्रॉफिट कितना रखना चाहता है, वो प्रॉफिट रखना चाहता है 20%, यानी कि 2,000 रुपीज, है ना। 10,000 का 20% तो कितना वैल्यू हो गया, 12,000 रुपया। मगर वो भूपेश को बेचा है ये गुड्स, और भूपेश को कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो करेंगे अब ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% माइनस, तो 12,000 का, अब किसका 10% होगा, 12,000 रुपये का, तो 12,000 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 1,200। तो फाइनली वो कितने में बेचा, 10,800 में, यानी कि 10,000 का चीज़ वो 10,800 में बेचा है।
अब देखिए सर, अब इतना कैलकुलेशन तो समझ में आ रहा है, एक बार फिर से शॉर्ट में रिकैप कर देते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, कॉस्टिंग 10,000 का है, तो 10,000 का चीज 10,000 में तो नहीं बेचेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट है 20% का, तो प्रॉफिट चार्ज किए 20% प्रॉफिट, यानी कि 10,000 का 20% हो गया 2,000 एंड टोटल अमाउंट हो गया 12,000 रुपये। मगर कह रहा है कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिए, तो ट्रेड डिस्काउंट जो दिए तो किस पे चार्ज करें, कॉस्ट पे कि करेंट वैल्यू जो है उस पे? तो जो करेंट वैल्यू उस पे, तो करेंट वैल्यू तो आपका 12,000 है, तो 12,000 पे आपका 10% कितना हो जाएगा, 1,200 रुपया, यानी कि फाइनली वो जो पेमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 10,800 का। अब देखिए भूपेश को बेचा है, यानी कि भूपेश का नाम लिखा हुआ है, तो यानी वो पेमेंट बंदा कैश में नहीं किया, और अगर बंदा कैश में पेमेंट नहीं किया तो हम लोग उधार का एंट्री लिखेंगे। अब एंट्री क्या होगा सर, क्या ये हम प्रॉफिट का एंट्री पास करें? नहीं, ये प्रॉफिट का भी एंट्री पास नहीं होगा, ना ही ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री पास होगा। डायरेक्ट भूपेश को जो 10,800 का गुड्स बेचे हैं उसका एंट्री होगा। तो भूपेश को बेचे हैं तो भूपेश हमारे लिए एसेट्स हो जाएगा, तो भूपेश को लिखेंगे डेबिट में। एंड सेल, हमेशा सेल कर रहे हैं और सेल हमेशा क्रेडिट जाता है, तो टू सेल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा मगर, 10,800 और 10,800, जो कि यहाँ पर आपके लिए यही चीज नया था कैलकुलेट करना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तो नरेशन क्या होगा, बींग गुड्स सोल्ड टू भूपेश, आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, बींग गुड्स सोल्ड टू भूपेश, है ना, इस तरीके से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पेड कैश रुपीज 40,000 टू सुरेश, सुरेश को बेचे एंड अवेल्ड 2% डिस्काउंट यहाँ पे होना चाहिए, एंड अवेल्ड या फिर नहीं भी रहे तो चलेगा, अवेल्ड 2%। इसका कहने का मतलब क्या, अब समझिए, ये टॉपिक है हमारा कैश डिस्काउंट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, कैश डिस्काउंट से रिलेटेड है, और इसका एंट्री आपको पता है होगा, इसका एंट्री हम लोग थियोरी में लास्ट वीडियो में देखे थे कि कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है। पेड कैश टू सुरेश, सुरेश को पेमेंट किए, सुरेश को पेमेंट कितना किए, 40,000 का, कितने का, 40,000 का। पेड कैश टू सुरेश कहने का मतलब 40,000 पे कर चुके हैं एंड अवेल्ड 2% डिस्काउंट, 2% का डिस्काउंट है यहाँ पे। अब 2% का डिस्काउंट है, इसका कहने का क्या मतलब कि जब वो बंदा गया परचेस करने तो उसको 2% का, सॉरी पेमेंट करने गया तो उसको 2% का डिस्काउंट मिला। सॉरी ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट। हाँ जी, अब सब कुछ सही है। तो क्या हो रहा था, क्या कह रहे थे कि पेड कैश रुपीज 40,000 टू सुरेश, सुरेश को हमको 40,000 रुपीज देना था मगर 2% का डिस्काउंट मिल गया। तो ये जो डिस्काउंट है ना, पेमेंट करने वक्त मिला, परचेस करने वक्त नहीं मिला, तो चूंकि पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कैश डिस्काउंट हो जाएगा ये, और कैश डिस्काउंट कितना हो गया, एट द रेट ऑफ 2%, एंड 2% कितना होगा, 40,000 का 2% होगा 800, तो फाइनली वो बंदा कितना दे रहा है, 39,200 रुपीस, है ना। आई होप कि आपको कैलकुलेशन क्लियर होगा। एक बार फिर से ओरली डिस्कस करते थे, पेड कैश 40,000 टू सुरेश कहने का मतलब, सुरेश को पेमेंट करना था 40,000, मगर जब पेमेंट करने गए तो पता 2% का डिस्काउंट मिल गया, तो ये जो पेमेंट करने वक्त डिस्काउंट है, कैश देने वक्त डिस्काउंट है, तो इसको ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट बोलेंगे, और कैश डिस्काउंट का एंट्री हम लोग पास करते हैं। तो सिंपली अब एंट्री क्या होगा, चूंकि सुरेश को पेमेंट कर रहे हैं तो सुरेश को करेंगे डेबिट, सुरेश अकाउंट डियर सुरेश, और कितना पेमेंट करना था इसको, 40,000 करना था, तो 40,000 का हिसाब किताब क्लियर हो रहा है इसलिए 40,000 लिखे। पेमेंट कितना किए हैं, टू कैश, पेमेंट कितना किए हैं, 39,200 एंड टू डिस्काउंट रिसीव। आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं क्योंकि आप पे कर रहे थे, आपको अगर वो बंदा डिस्काउंट नहीं देता तो आपको कितना देना पड़ता, 40,000, मगर आपको कितना, 800 रुपये का डिस्काउंट मिला है, यानी कि ये डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम होता है, और इनकम हम बताए हैं कि हमेशा कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में,
इसलिए डिस्काउंट रिसीव जो है वो इनकम है, और इनकम का अमाउंट कितना हो जाएगा 800 रुपीज। नरेशन इसका क्या होगा, बींग बींग गुड्स सोल्ड, सॉरी गुड्स सोल्ड कह रहे हैं, बींग कैश पेड टू सुरेश एंड अवेल्ड डिस्काउंट एंड, या फिर डिस्काउंट रिसीव भी आप बोल सकते हैं। इसी तरीके का और भी क्वेश्चंस देखेंगे तो और आपको क्लियरिटी आएगा। परचेज पेड बाई चेक 25,000, पेड बाई चेक 25,000 मतलब 25,000 रुपए का पेमेंट किए टू मिहिर मेहर, है ना मेहर, एंड सेटल हर ड्यू ऑफ 26,000, यानी कि मेहर को 26,000 रुपीस पे करना था, मगर हम पे कितना किए हैं, पे किए हैं मात्र 25,000 रुपीस, है ना, एंड सेटल कर दिए। सेटल जैसे ही कह देना, फुल सेटलमेंट बोल दे या फिर सेटल बोल दे, इसका ये मतलब है कि अब दोबारा पेमेंट नहीं होगा, हिसाब किताब पक्का खत्म। जैसे कभी कभी होता ना कि मान लीजिए कि आप हमसे कुछ 10,300 का परचेस किए, आप आए और बोले लीजिए अमित सर 10,000 रुपया और हिसाब किताब क्लियर, तो वो 300 रुपये हम आपसे दोबारा थोड़ी मांगेंगे, वो तो हिसाब किताब खत्म हो गया। तो ये बिजनेस में लगा रहता है, तो वो बंदा 25,000 दिया और खत्म कहानी मेहर को। तो यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो कितना देना पड़ गया, 1,000 रुपये का, और इसको क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट ही बोलेंगे, क्योंकि ये डिस्काउंट जो है वो कैश देने वक्त हो रहा है जनरेट। अब एंट्री क्या होगा, पेड कैश है ना, पेड कैश कहने का मतलब कैश का पेमेंट कर रहे हैं, और कैश का पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश, कितना कितना आप पे किए हो 25,000 रुपये, और आपको डिस्काउंट कितना मिला है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिस्काउंट रिसीव, आपको फुल लिखना है 1,000 रुपीज, है ना। एंड आप किसका हिसाब किताब क्लियर कर रहे हैं, मेहर का, तो मेहर अकाउंट डीआर कितना हो जाएगा 26,000। नरेशन क्या होगा, बींग कैश पेड टू मेहर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना, इस तरीके से आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको और भी क्लियरिटी आते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1,000,000 अगेंस्ट चेक एंड अवेल्ड डिस्काउंट 3%, परचेज किए हैं 1,00,000 रुपीज का, 1,00,000 रुपीज का परचेज किए हैं, मगर 3% का डिस्काउंट मिला है, 3% का डिस्काउंट यानी कि 3,000, यानी कि हम पेमेंट कितना किए होंगे 97,000, पेमेंट कितना किए होंगे 97,000 रुपीज, और अगेंस्ट चेक है यानी कि ये जो पेमेंट किए हैं वो किसके थ्रू पेमेंट किए, बैंक के थ्रू, तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डीआर। टू, पेमेंट कर रहे हैं चेक से यानी कि बैंक इफेक्ट होगा तो बैंक अकाउंट, सिंपल है, और चूंकि पेमेंट करने वक्त हमको 3,000 का डिस्काउंट मिल गया तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव कितना हो जाएगा आपका 3,000 रुपीज डिस्काउंट रिसीव, चेक से पेमेंट किए 97,000 एंड टोटल ट्रांजेक्शन आप परचेज कितने का किए 1,00,000 रुपीज का, है ना। जैसे मान लीजिए आप पैंटालून से 10,000 का कपड़ा खरीदे, है ना, पैंटालून से 10,000 का कपड़ा खरीदे, और पैंटालून में ऑफर था कि अगर आप SBI कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपके पास SBI कार्ड था, आप पेमेंट कर दिए, तो ये बताइए 5% का डिस्काउंट यानी 500 जो मिला तो वो तो आपको कैशबैक मिल गया। अब कोई आपसे पूछे कि आप कितने का शॉपिंग किए तो कितना बोलोगे, 10,000 की 9,500, ऑब्वियस ही बात है 10,000, क्योंकि अगर आप पेमेंट नहीं करते तो वो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो इसलिए सिंपल सा फंडा है कि अगर कैश डिस्काउंट मिला है तो वो इसलिए मिला है क्योंकि आप पेमेंट किए, अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको नहीं मिलता, है ना, यानी कि फंड आपके पास अवेलेबल था उसका बेनिफिट लिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि परचेस का अमाउंट आप रिड्यूस कर देंगे, नहीं, 1,00,000 का परचेस किए तो 1,00,000 ही शो करेंगे, और ये जो डिस्काउंट मिला है वो कैश की वजह से मिला है, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की वजह से मिला है, तो इस वजह से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और एंट्री क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेस एट ए डिस्काउंट, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, परचेस गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम अशोक एंड कंपनी पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया, परचेस किए हैं 60,000 का, मगर वो बंदा फ्रॉम आकाश एंड कंपनी से खरीदे,
पेड 50% इमीडिएटली, मगर मेरे पास पैसा पूरा नहीं था, तो मात्र 50% का पेमेंट किया, 50% यानी कि 30,000। तो बाकी का 30,000 तो है वो क्या हो गया, उधार हो गया। वो क्या हो गया, उधार, क्योंकि पेमेंट कितना कर रहे हैं, पेमेंट हम कर रहे हैं मात्र 30,000, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है 3% का डिस्काउंट भी मिला। तो कहने का मतलब जितना का पेमेंट कर रहे हो उसमें से माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%, तो 2% कितना हो जाएगा, 600 रुपीज़। यानी कि फाइनली हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 29,400, 29,400। बात समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन समझिए। परचेज किए 60,000 का आकाश एंड कंपनी से, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 50,000 पेड इमीडिएटली, तो 30,000 यानी कि 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30,000। तो 30,000 पे कर रहे हैं, तो 30,000 जो नहीं पे कर रहे वो उधार हो गया, और 30,000 पे 3% का कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि 60,000 का 3% नहीं होगा, आप जितना पेमेंट करिएगा उसका ही डिस्काउंट मिलेगा आपको, है ना। 60,000 का थोड़ी 3% मिल जाएगा आपको, आप जितना पेमेंट कर रहे हैं उसी का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो फाइनली आप कितना पेमेंट किए, 29,400। और ये जो उधार खरीदें उसके लिए आप जिससे उधार खरीदें उसका नाम लिख देंगे, यानी कि आकाश एंड कंपनी का। अब यहाँ पे कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व होगा पहले ये समझिए। पहले तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा, पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और चूंकि आकाश से उधार खरीद रहे हैं तो आकाश एंड कंपनी का नाम भी लिखना पड़ेगा, यानी कि 4 अकाउंट इन्वॉल्व होगा। परचेज हमेशा डेबिट जाता है, कैश का पेमेंट कर रहे हैं यानी कि कैश जा रहा है तो क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम है तो क्रेडिट, एंड आकाश एंड कंपनी को फ्यूचर में पेमेंट करना तो ये आपके लिए हो गया लाइबिलिटी, तो ये भी हो गया आपके लिए क्रेडिट। समझिए बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, परचेज हमेशा क्या हो जाता है, डेबिट, डेबिट चला जाएगा 60,000 रुपये से। परचेज कितना से डेबिट होगा, 60,000 से। कैश का पेमेंट आप किए हैं और कैश जा रहा है तो कैश का जब भी आउटफ्लो होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितना का पेमेंट करोगे आप, 29,400 का। डिस्काउंट रिसीव कितने का डिस्काउंट मिला, 600 का, और चूंकि ये इनकम है इसलिए इसको क्या किए, क्रेडिट किए। और आकाश एंड कंपनी को फ्यूचर में पेमेंट करना, क्योंकि 30,000 का तो उधार खरीद लिया और उधार है यानी कि लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो कितने का लाइबिलिटी हो गया, 30,000 रुपये का। तो इस तरीके से डायरेक्ट एंट्री भी आप पास कर सकते हैं, वो अकाउंट अगर फॉलो नहीं भी करते हैं तो, 4 स्टेप जो फॉलो करने के लिए हम बताते थे, और नहीं भी फॉलो करते तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट DR 60,000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट एंड टू आकाश एंड कंपनी, है ना, आकाश एंड कंपनी। आप फाइनली अमाउंट कितना लिखेंगे, कैश पेमेंट किए 29,400, 600 एंड ये उधार हो गया आपका 30,000 रुपीज़ का, है ना। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं वो हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स 30,000 अगेंस्ट चेक एंड अलाउड डिस्काउंट 2%। यहाँ पे सेल कर रहे हैं, सेल कितने का किए, सेल 30,000 का किए, और जब सेल करते हैं तो डिस्काउंट मिलता नहीं है, डिस्काउंट देना पड़ता है। जैसे हम दुकानदार है और हम सेल कर रहे हैं तो हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट देंगे ना, तो 2% का डिस्काउंट दिए हैं, 2% कितना हो जाएगा, 600 रुपये, यानी कि वो बंदा हमको कितना देगा, 29,400 रुपये। एंड अगेंस्ट चेक, अगेंस्ट चेक कहने का मतलब वो हमको चेक से पेमेंट किया, यानी कि क्या इफेक्ट होगा, बैंक इफेक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट, क्योंकि वो तुरंत हमको पेमेंट कर रहा है। तो सेल कर रहे हैं तो सेल को हमेशा कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, और सेल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, 30,000 ही जाएगा। मगर हमको जो पेमेंट मिला है बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, वो मात्र कितने का मिला है, 29,400 का। और जो 600 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं उसके लिए क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अलाउड अकाउंट DR कितने का, 600 रुपीज़ का, बस हो गया। तो इस तरीके से आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एट 2% डिस्काउंट, ठीक है।
ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्ड गुड्स 60,000 टू विमल, रिसीव्ड 50% ड्यू ऑफ 50% ऑफ ड्यू अमाउंटिंग अलाउड 2% डिस्काउंट। क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स 60,000 सेल किए हैं 60,000 का, जैसा क्वेश्चन पिछला जो देखे थे उसी के आधार पे। विमल रिसीव्ड 50% ऑफ ड्यू, मतलब विमल को सेल जो किया ये बंदा, विमल को जो बेचे हैं 50% वो पेमेंट कर दिया है। देखिए 50% रिसीव्ड 50% मतलब क्या? रिसीव्ड 50% मतलब कि 50% मिल चुका है। तो 50% कैश में अगर दे रहा है तो बाकी का क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा, है ना। उधार बेच रहे हैं कितना? 50%, यानी कि 30,000 एंड 30,000। अब आगे बढ़ते हैं, वो बंदा को 2% का डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है, तो जितना पेमेंट किया उस पर डिस्काउंट देंगे ना, तो कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2% कितना हो जाएगा? 600 रुपीज। तो फाइनली कितना हो रहा है? 29,400। बात को समझिए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 60,000 रुपीज का सेल किए हैं और 60,000 में वो बंदा विमल विमल को बेच रहे 50% का पैसा दे रहा है, यानी कि 50,000 30,000 रुपीज, जिसमें कि कंपनी के तरफ से, मेरे बिजनेस के तरफ से 2% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो उतना पे ही डिस्काउंट देंगे जितना कि वो पेमेंट कर रहा है, और पेमेंट कितना कर रहा है? 2% 3 2%, यानी कि 600, यानी कि वो बंदा कितना हमको पेमेंट करेगा? 29,400। जो बंदा उधार जो खरीदा है तो उसके लिए विमल का नाम लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व क्या क्या होगा? सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट, विमल को बेच रहे हैं तो विमल अकाउंट, कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट, क्योंकि चेक के बारे में नहीं बोल रहा है तो कैश मान लेंगे कि कैश में ही पैसा मिल रहा है, और चूंकि सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब सेल हमेशा क्रेडिट जाता है, आपको पता है। विमल को उधार बेचे हैं तो विमल से पैसा लेना है, इसलिए ये मेरे लिए एसेट्स हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे डेबिट। सेल की हो पैसा मिला है, कैसा पैसा मिला है तो कैश मेरे लिए है। जब भी कैश आता है तो क्या करते हैं? डेबिट। और डिस्काउंट देना आपके लिए एक्सपेंस है, क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमेशा कहाँ जाता है? डेबिट, है ना। इस तरीके से इनकम हमेशा क्रेडिट और सेल हम एक्सपेंस हमेशा डेबिट। अच्छा अब सेल सेल आप कितने का किए? 60,000 रुपये का किए। विमल से उधार कितना लेना है? लेना है 30,000 रुपया। कैश आपको कितना मिलेगा? 29,400 रुपया। और डिस्काउंट कितने का दिए? 600 रुपये का। बस इसी चीज का आपको जर्नल एंट्री पास कर देना है ना, जर्नल एंट्री पास करना है। तो एंट्री क्या होगा? सेल को करना है क्रेडिट, तो टू सेल अकाउंट कितने का? सेल का क्रेडिट होगा 60,000 का। कैश कितना मिला आपको? कैश को डेबिट करना था कैश अकाउंट डियर, 29,400। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर कितना हो जाएगा? 600। एंड विमल से आपको पैसा लेना है तो विमल और एस्टॉफिस एस लगा दीजिए अगर अकाउंट लगाना है, तो कितना हो जाएगा? 30,000। बस हो गया, बीइंग गुड सोल्ड टू विमल एंड डिस्काउंट अलाउड, इस तरीके से आप नरेशन लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग आगे चर्चा करेंगे और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए, एंड जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों का हेल्प करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।